के लिए पहुंच आए हैं पेशावर, क्योंकि गाड़ी नहीं थी मिल रही और थोड़ी देर का स्टे है इधर। उसके बाद इंशाल्लाह अपने गांव की तरफ आ जाए, फिर उसके बाद बस। चरसदे की तरफ निकलने लगा हूँ और तकरीबन घंटे में शायद पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह, और फिर कल इंशाल्लाह वोट डालेंगे जी। जा रहे हैं हम वोट देने, हम तो नहीं, सिर्फ मैं, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। अकेला तो नहीं हूँ, कज़न के साथ जा रहा हूँ, लेकिन जो कज़न साथ जा रहे हैं वो उनका वोट नहीं है और वो मेरे पे हंस रहे हैं कि तू अपना वोट दिखा के मेरा है भी या नहीं है ना आसिंगे चल दवाए करा शर्मेंगे पीछे है दरियाए स्वात, क्योंकि ये दरियाए सॉरी अच्छा जी मेरे पीछे है दरियाए स्वात, क्योंकि ये स्वात से आ रहा है तो इसीलिए इसका नाम दरियाए स्वात है। और ये पीछे मेरे जो है ये है मुंडा ब्रिज, ये मेरे ख्याल से अंग्रेज़ों के टाइम पे बना था, और ये सैलाब जब आया था लास्ट टाइम तो तब ये, उसके बाद दोबारा इन्होंने रेनोवेट किया क्योंकि ये बिल्कुल तबाह हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इसीलिए इन्होंने दोबारा रेनोवेट किया, दोबारा इनको बनाया। और बाकी चले आपको और दिखाते हैं। अच्छा मेरे बैक साइड पे जो है ये FC का जो है हेडक्वार्टर है, और ये बिल्कुल ही यानी कि इस जगह पे है जहाँ पे दरिया और ये नहर को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि दरिया से निकल के ही नहर जा रही है। तो और ये है मेरा कज़न, हेलो दरिया से ये नहर निकल रही है और ये बिल्कुल आगे जाके और सारे खेतों को सबको सैराब करती है। यूसुफ बाबा था कम देता तू समझ
अजीदा अच्छा जी जा रहे हैं यूसुफ बाबा, एक्चुअली वो पश्तो में था तो आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। और गांव में ही ऊपर करके थोड़ी जगह है, ऊपर थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा क्योंकि, और बहुत ही मज़े की जगह है, खूबसूरत जगह है, और ज़्यादा खूबसूरत जगह है क्योंकि ये थोड़ी ऊपर है। तो जा रहे हैं, निकल रहे हैं, अभी आधे रास्ते में पहुँचे हैं, बाकी आगे जाके दिखाते हैं। अल्लाह 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 हक अच्छा जी हम पहुंच आए हैं यूसुफ बाबा। अच्छा इसको यूसुफ बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे यूसुफ बाबा का मज़ार है। मज़ार बिल्कुल मेरे पीछे है, अभी आपको नज़र सही नहीं आएगा, अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी इस टाइम मैं हूँ चारसदा रजड़ और यहाँ की मशहूर मिठाई की दुकान के बाहर हूँ। ये आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे, बाकी आपको मिठाई दिखाते हैं, टेस्ट तो नहीं करवा सकते लेकिन दिखा सकते हैं। और मेरे बिल्कुल पीछे यहाँ के मशहूर चावल हैं जिन्हें पश्तो में गटेरुजे बोलते हैं, और अगर इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाए तो ऑब्वियसली बड़े चावल कहते हैं। चारसद्दा आए और चप्पल कबाब ना खाए तो आए ही क्यों। इस टाइम जो खुशबू आ रही है ना आमों की, कैन एक्सप्लेन यू, ये सादे आम। और मैं पहली दफा ऐसा आम और आम का ऐसा दरख्त देख रहा हूँ।
مجنون يا ملاشا يو جام جام روڑا 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 وان خازش بلایا خا تو دوست داری تو باید تو باید سام با دخکای